अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास, होप्स ऑल ऑफ यू विल बी फाइन एंड एंजॉयिंग गुड हेल्थ। सबसे पहले तो 9th क्लास आपको रमज़ान मुबारक का दूसरा जुमा मुबारक। और आज हम सबक नंबर 1 हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरगर्मी नंबर 6 करेंगे। उसमें हमने एराब की मदद से तरकीब व तश्कील और तलफ़ को वाजा करना है, ठीक है। ये काम करने से पहले हम प्रॉपर अपने इधर तारीख लिखेंगे, दिन लिखेंगे, जमात का काम, सबक नंबर 1 हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरगर्मी लिखेंगे, उसकी हेडिंग देंगे। आगे लफ्ज़ एराब लगाने से क्या होता है कि लफ्ज़ की हमारे हम वाजे हो जाता है कि इसको पढ़ना किस तरीके से है, ठीक है, तो बोलने में आसानी हो जाती है। हाफिज़ आलम, हे के ऊपर ज़बर, फे के नीचे ज़ेर, ज़ोए के नीचे ज़ेर, ऐन के ऊपर ज़बर और लाम के ऊपर ज़बर आएगा, ठीक है। उसके बाद वजूद अकदस, वाओ के ऊपर पेश, जीम के ऊपर पेश, दाल के नीचे ज़ेर, अलिफ के ऊपर ज़बर, ठीक है। उसके बाद दारुल अमान, दाल के ऊपर ज़बर, रे के ऊपर पेश, दार उल अमान, अलिफ के ऊपर ज़बर, मीम के ऊपर ज़बर, ठीक है। उसके बाद है कबाइल, काफ के ऊपर ज़बर, बे के ऊपर ज़बर, ये हमज़ा के नीचे ज़ेर, ओके। उसके बाद है मुहासरा, मीम के ऊपर पेश, अलिफ के ऊपर, हे के ऊपर ज़बर, मुहा, ठीक है, स्वाद के ऊपर ज़बर और रे के ऊपर भी ज़बर आएगी, ठीक है। अदावत, ऐन के ऊपर ज़बर, दाल के ऊपर ज़बर और दावत, वाओ के ऊपर ज़बर, ठीक है। बोसा गाय खलाइक, बे के ऊपर पेश, सीन के ऊपर ज़बर, गा हे, हे के नीचे ज़ेर और खे के ऊपर ज़बर, लाम के ऊपर ज़बर, ठीक है, और काफ के नीचे ज़ेर आएगा। कतलगाह, तो इसमें काफ के ऊपर ज़बर और गाफ के ऊपर ज़बर, ठीक है, और लाम के नीचे ज़ेर, कतलगाह। उसके बाद फर्श गुल, फे के ऊपर ज़बर, शीन के नीचे ज़ेर और गाफ के ऊपर पेश आएगा। उसके बाद हमने सरगर्मी नंबर 8 करनी है, अल्फाज के मानी भी लिखने हैं और साथ में उसके जुमले भी बनाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास लफ्ज़ है दावत हक। दावत हक का मतलब होता है इस्लाम की दावत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने मक्का मकरमा से दावत हक का आगाज़ किया, ठीक है। आगे है हमारे पास हदफ। हदफ होता है निशाना। मुसलमानों का हदफ दुनिया से कुफर का खात्मा करना है, ठीक है। मेऊ बुरा, बुज़ुर्गों के साथ बदतमीज़ी मेऊ बात है। बेशक बदतमीज़ी आप यहाँ लिख सकते हैं, बदतमीज़ी करना भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, बदतमीज़ी करना मेऊ बात है। उसके बाद है तरकश, तीर रखने वाला खौल, ठीक है, जिसमें तीर सिपाही ने रखे होते हैं। सिपाही ने तरकश से तीर निकाल कर दुश्मन पर फेंके। उसके बाद आगे हमारा आखिरी जुमला है खून बहा, वो नकदी या वो रकम जो मकतूल, मकतूल कौन होता है, जो कत्ल हो चुका होता है, ठीक है, के वारिसीन बेवस खून लें, ठीक है, यानी कि खून के बदले में जो नकदी उनको दी जाती है सुलह सफाई के लिए। कुरैश ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की गिरफ़्तारी के एक खून बहा के बराबर इनाम मुकरर किया। स्टूडेंट्स, आपने इसको बहुत अच्छी राइटिंग में करना है और इसको याद भी करना है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।